दोस्तों, इस्लाम में 786 का बहुत अधिक महत्व होता है। ज़्यादातर लोग इस नंबर के नोट अपने पास रखते हैं, कुछ तो कलेक्शन भी करते हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों का नंबर यही रखते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हर मुस्लिम इस अंक को बिस्मिल्लाह का रूप मानता है। अरबी या उर्दू में बिस्मिल्ला अल रहमान अल रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है। इसलिए इस अंक को इस्लाम मानने वाला हर व्यक्ति पाक मानता है। लेकिन रोचक बात यह है कि कई लोग इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताते हैं। पुराणों में कथा मिलती है कि श्री कृष्ण जी अपनी 7 छिद्रों वाली बांसुरी को तीन तीन यानी 6 उंगलियों से बजाया करते थे और वे देवकी के 8वें पुत्र थे। अतः इन तीनों अंकों को मिलाकर बना है 786। इसके अलावा प्रसिद्ध शोधकर्ता राफेल पताई ने अपनी किताब द जीविस माइंड में लिखा है कि अगर 786 नंबर की आकृति पर गौर किया जाए तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा। इसे परखने के लिए 786 को हिंदी की गिनती में यानी 786 लिखिए, जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।